7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर किए थे। इसके रिटेलिएशन में, इसके बदले में इसराइल अब तक 6000 रॉकेट्स फायर कर चुका है और गाजा का कुछ ये हाल हो चुका है। गाजा में चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्स IDF गाजा के अंदर घुसकर हमास मिलिटेंट्स को मार रही है। और तो और वो सामने से सरेंडर करने वाले मिलिटेंट्स को भी गोली मार के उनके लाशों के साथ वीडियोस बनाकर हमास को धमकियां दे रही है। 13 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने गाजा में एक अल्टीमेटम भी जारी किया कि अगले 24 घंटों में गाजा को किसी भी हालत में खाली करो वरना सब के सब मारे जाओगे। इनफैक्ट उन्होंने ये मैप भी रिलीज किया और नॉर्दर्न गाजा सिटी के इस एरिया में रहने वाले 10 लाख सिटीजन्स को इमीडिएटली सिटी खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए। बेसिकली इस एरिया को कंप्लीटली नो मैंस लैंड बनाने के ऑर्डर्स दे दिए। और बाहर निकलने के लिए भी ये जो मैप पे दो येलो रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं दो रूट्स को यूज करके निकलने की परमिशन दी गई है क्योंकि बाकी के रूट्स पर इसराइल ने हैवी बॉम्बिंग्स करना ऑलरेडी शुरू कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया अब तक गाजा पर 6000 बॉम्ब्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। इजरायली प्रेसिडेंट आइसैक हर्जोग ने इस इन्वेजन को बैक करते हुए ये कहा है कि हमास का इसराइल पर यह अटैक जो उसने 7 अक्टूबर को किया था ये ज्यूस के होलोकॉस्ट के बाद का सबसे बड़ा मैसेकर है और इसका बदला इसराइल लेकर ही रहेगा। प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट और गाजा से आ रहे ये इमेजेस साफ साफ बता रहे हैं कि इसराइल हमास और गाजा को कंप्लीटली तबाह करके ही छोड़ेगा। बट फ्रेंड्स, क्या इसराइल के लिए ये इतना आसान होने वाला है? इज इट गोना बी अ केक वॉक फॉर इसराइल? वेल, यूरेशियन टाइम्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर बात यह है ना कि हमास जमीन पर ऑपरेट ही नहीं करता। उन्हें ऑलरेडी मालूम है कि इसराइल जमीन पर कितना पावरफुल है और इस वजह से हमास ने अपनी दुनिया जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बना ली है और यहीं से वो इसराइल के खिलाफ अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। अंडरग्राउंड टनल्स उन्होंने बना के रखा है और उन टनल्स में हमास ने कमांड सेंटर, वेपन स्टोरेज एरियाज और आर्मी क्वार्टर्स तक बना रखे। एंड यू नो व्हाट, इन टनल सिस्टम्स के एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में इसराइल को कोई भी आइडिया नहीं और इसीलिए कुछ इजरायली एक्सपर्ट्स इन्हें द डेविल्स टनल कह के भी बुलाते हैं। इन टनल्स पर इसराइल के ये रॉकेट बॉम्बार्डमेंट्स का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमास बेसिकली पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा। अब ऑब्वियसली इसराइल इस डेविल्स टनल के खतरे से बिल्कुल ही वाकिफ है और इसीलिए इसराइल इस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने की सालों से कोशिशें कर रहा था और फाइनली उसने एक ब्रह्मास्त्र ढूंढ लिया है। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है और ये क्या वाकई में हमास नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करने में मदद कर पाएगा इसराइल की, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कहानी को थोड़ा शुरू से समझना पड़ेगा टू मेक सेंस ऑफ ऑल दिस। सो इसराइल पर जैसे ये अटैक हुआ, इसराइल ने तुरंत अटैक का बदला निकालने के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत इसराइल ने 3 फ्रंट्स, मिलिट्री फ्रंट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट से हमास पर अटैक करने का प्लान किया, उसे सफोकेट करने का, जिसमें से मिलिट्री अटैक सबसे ज्यादा घातक होने वाले थे। दरअसल इसराइल ने इस ऑपरेशन को लेकर 2 एकदम सिंपल मगर डेडली गोल्स बनाए। पहला, वाइप आउट हमास, जिसके बारे में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने खुद ही बताया कि IDF हमास के पॉलिटिकल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बिल्कुल जीरो कर देना चाहता है ताकि इन फ्यूचर हमास से इसराइल को और उनके सिटीजन्स को कोई भी खतरा ना रहे। और इसराइल का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गोल है हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवर का एनकाउंटर। एक्चुअली इसराइल के हिसाब से अगर इस एक आदमी का भी उन्होंने कत्ल कर दिया तो ऐसा मान सकते हैं कि इसराइल का एटलीस्ट आधा बदला पूरा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चलते रहेगा, लेकिन ये समझ के चलो कि ये कहानी का मेन कैरेक्टर है तो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना। सो नाउ कमिंग टू द ब्लूप्रिंट ऑफ द अटैक, ऑफकोर्स मोसाद गेट्स इट फ्लाई से कॉन्टैक्ट करके अपना अटैक प्लान नहीं कर रहा है, लेकिन हमने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रीड किए और ऑफिशियल स्टेटमेंट सुने उससे इसराइल की प्लानिंग की एक बेसिक सेंस बनाने की कोशिश हमने की है। सो देर इज अ मेथड टू द मैडनेस फॉर इसराइल, इन द पास्ट में भी हमने देखा है। अब ऑफकोर्स सबसे मेन बात, मोसाद के पास्ट ऑपरेशंस को स्टडी करके एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि इनके ऑपरेशंस एकदम हिस्टोरिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द इनफेमस असैसिनेशन ऑफ मोहसेन फखरीजादेह, द फादर ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस ऑपरेशन में तो मोसाद ने ईरान से 1000 किलोमीटर दूर अपने देश में ही बैठ के एक AI असिस्टेड रिमोट कंट्रोल किलिंग मशीन से मोहसेन का कत्ल किया था, जो एक्चुअली इतना सटीक था कि मोहसेन कार ड्राइव कर रहे थे लेकिन उनके बगल में बैठी उनकी वाइफ को एक खरोच तक नहीं आई।
इनफैक्ट मैं खुद जब कुकू एफएम पर मुसाद 10 डेंजरस ऑपरेशंस की स्टोरीज सुन रहा था, आई वाज वेरी शॉक टू नो कि मुसाद ये सारे ऑपरेशंस ओवर इयर्स प्लान कैसे करता है। प्लस इन स्टोरीज को इस ऑडियो बुक में जैसे बताया गया, लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी की स्टोरी सुन रहा हूं। मैं तो इसे पर्सनली 9 out of 10 रेट करूंगा। इनफैक्ट अगर आपको भी ऐसे हिस्ट्री बेस्ड सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद है तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप कुकू एफएम पर मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था और व्हाई आई किल्ड गांधी, ये दोनों ऑडियो बुक्स बिल्कुल सुने। ऐसे कई सारे ऑडियो बुक्स कुकू एफएम पर अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप मेरे कूपन कोड गौरव50 को यूज करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा सीधा, यानी एक महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 rupees। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू इजराइल्स रिवेंज। So, जैसे मैंने आपको बताया था 7 अक्टूबर के हमले का जवाब देने के लिए इसराइल फिलहाल 3 मेजर मिलिट्री स्टेप्स में काम कर रहा है। पहला है अपने ग्राउंड फोर्सेस को असेंबल करना। तो बात कुछ ऐसी है ना कि इसराइल फिलहाल अपने पिछले 17 सालों के मिलिट्री इतिहास के सबसे बड़े ग्राउंड इन्वेजन का प्लान कर रहा है। इसके पहले 2006 में इसराइल ने लेबनान को इन्वेड किया था जिसमें उसके 40,000 सोल्जर्स इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये 2023 का गाजा ग्राउंड इन्वेजन अपने आप में एक नया इतिहास बनाएगा। और इसके लिए अब तक इसराइल ने अपने पूरे पॉपुलेशन के 3% इसराइलीज को गाजा इसराइल बॉर्डर पर असेंबल करने के लिए कह भी दिया, और असेंबली एक्चुअली हो भी चुकी है। सो बात कुछ ऐसी है ना, इसराइली आर्मी के एक्चुअली 2 parts हैं। पहला है एक्टिव आर्मी, यानी कि उसके फुल टाइम सोल्जर्स, जिसमें लगभग 169,000 सोल्जर्स है, और दूसरा पार्ट है रिजर्विस्ट का, यानी कि उनके इररेगुलर सोल्जर्स, जिनकी संख्या लगभग 4,64,000 है। यहाँ पर रिजर्विस्ट सोल्जर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि इसराइल में 18 साल की उम्र क्रॉस करने वाले मेजॉरिटी इसराइलीज को कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है, जिसमें मेल्स को 32 मंथ्स और फीमेल्स को 24 मंथ्स आर्मी में सर्व करना ही पड़ता है। और अपना कंपलसरी पीरियड सर्व करने के बाद रिजर्विस आर्मी में काइंड ऑफ उनका दाखिला हो जाता है और वो अपनी आम जिंदगी में लौट सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जब जरूरत पड़े तो वो वापस से कंट्री को सर्व करने के लिए एक हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसराइल में किसी भी प्रकार की नेशनल इमरजेंसी आ गई तो इन रिजर्विस्ट को एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड इट डजंट मैटर कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आप एक एक्टर हो, आप कोई सेलिब्रिटी हो, हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर उस नेशनल इमरजेंसी से डील करेगा। यहां तक कि यहां पर पीएम खुद तक इजरायली मिलिट्री सर्विस के सामने अपने आप को एनलिस्ट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के फेमस इजरायली सीरीज फौदा के 2 actors लियोर राज और ईदान एमेडी खुद को हमास के अगेंस्ट फाइट करने के लिए IDF में ऑलरेडी एनलिस्ट भी कर चुके हैं। और फॉर्मर इजरायली PM नफ्ताली बेनेट ने भी इजरायली मिलिट्री को अपनी सर्विस देने का वादा कर लिया है। अब इतने बड़े नंबर में इजरायल गाजा बॉर्डर पर जमा हो रहे ये सोल्जर्स के लिए इन 24 विलेजेस को खाली करवाया गया और साथ ही इस बड़े एरिया को इजरायली क्लोज मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। सो इस मैसिव प्लानिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इसराइल हमास के इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने का मन ऑलरेडी बना चुका है। सेकंड स्टेप, बॉम्बिंग। मूविंग ऑन, मिलिट्री इन्वेजन के लिए सेकंड मेजर स्टेप लेते हुए इसराइल ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर गाजा के इन रेड स्पॉट वाले हिस्सों में 6,000 बॉम्ब्स गिरा दिए। अब इसराइल का ये मूव इस कहानी का गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि उनके इस एक कदम से हमास का सबसे बड़ा एडवांटेज एक झटके में तबाह हो गया। सो बात कुछ ऐसी है ना, इसराइल ने सबसे पहले अटैक वाले एरियाज में लोगों को अल्टीमेटम जारी करके खाली करवा दिया ताकि बॉम्बिंग्स के दौरान कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। फिर उसने वहां पर मौजूद सभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जो हमास टेररिस्ट के लिए अटैक के वक्त हाइडआउट का रोल प्ले करते थे। अब ऐसा करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। जुलाई 2014 में ना हमास ने इसराइल पर 100 bombs गिराए थे। इसके रिटेलिएशन में IDF ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज कंडक्ट किया था, क्योंकि UN के हिसाब से इसमें टोटल 2,251 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे, जिसमें से 1,462 तो सिविलियंस थे। उनमें भी 551 बच्चे और 299 इनोसेंट विमेन थी। प्लस इसी अटैक में खुद इसराइल के भी 66 सोल्जर्स और कुछ 5 civilians मारे गए थे, और यही चीज इसराइल के लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि इस ऑपरेशन में मेजरली बेकसूर सिविलियंस मारे गए थे और इस वजह से उनका वर्ल्ड लेवल पर सपोर्ट काफी कम हो गया और इससे उनको इकोनॉमिक लॉस जो हुआ वो अलग। अब इस कोलैटरल डैमेज का मेजर कारण था गाजा के बिल्डिंग्स और सिविलियंस। उस ऑपरेशन के दौरान IDF सोल्जर्स जैसे ही हमास के टेररिस्ट को मारने गए, वो या तो किसी बिल्डिंग में छुप जा रहे थे या फिर किसी सिविलियन को अपना ह्यूमन शील्ड बनाकर आर्मी पर अटैक कर रहे। एंड दैट इज व्हाई इजरायली आर्मी डिडंट हैव एनी चॉइस। इसी पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए इजराइल ने सबसे पहले गाजा में स्थित सिविलियंस को गाजा खाली करने के ऑर्डर्स दे दिए और उसके बाद हाइड आउट स्पॉट्स बनाने
वाले बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि प्लेन ग्राउंड पर इजरायली फोर्सेस पर कोई भी किस्म का गुरिल्ला अटैक या छुपके वार वो ना कर सके और बेकसूर सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स भी ना बना पाए। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की अगर बात करें तो वो है गाजा का इन्वेजन, जो ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं होगा। गाजा में एंटर करते ही IDF के सामने दो टास्क होंगे। पहला ऑफकोर्स होस्टेजेस को छुड़ाना। इजरायली मिलिटेंट्स का कहना है कि लगभग 199 लोगों को हमास मिलिटेंट्स ने किडनैप करके गाजा में कैद रखा हुआ है। प्लस अनफॉर्चुनेटली इनमें सिर्फ इजरायली सिटीजन ही नहीं है बल्कि US, फ्रांस और UK के सिटीजन भी मौजूद है, और यही एग्जैक्टली इजराइल का सबसे बड़ा चैलेंज या कह सकते हैं एक वीक स्पॉट या वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि इजराइल के लिए हिस्टोरिकली अपने होस्टेजेस को छुड़ाना काफी मुश्किल रहा है। इस बात को हम पास्ट एपिसोड से समझ सकते हैं। 2006 में एक इजरायली सोल्जर कॉर्पोरल गिलाद शलीट को हमास ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन इजरायली मिलिट्री कॉर्पोरल को 5 सालों तक ढूंढ ही नहीं पाई। एट द एंड क्या हुआ जानते हो? इजरायल को अपने एक सोल्जर को छुड़ाने के लिए 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ा था। जस्ट इमेजिन। और ये कोई मामूली प्रिजनर्स नहीं थे, इनफैक्ट ये सब इजरायल में कई टेररिस्ट अटैक अटेम्प्ट्स के लिए पकड़े गए थे, और इन्हीं 1000 प्रिजनर्स में से एक था यहया सिनवार। ये बंदा इजराइल की कहानी का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि यही बंदा इजराइल पर हुए अभी के 7 अक्टूबर के हमले के पीछे का मास्टरमाइंड है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इजराइल ने 2011 में अपने 2023 के इस हमले की कहानी खुद ही अपने हाथों से लिखी थी इसे रिलीज करके। और इसीलिए मैं कह रहा हूं होस्टेजेस को बचाना इजराइल का वीकेस्ट स्पॉट है, और इस बार तो उन होस्टेजेस में सिर्फ इजरायली नेशनल्स नहीं बल्कि दूसरे देशों के सिटीजन भी है जो कि इजराइल के एलाइज है, तो उन्हें छुड़वाने के लिए एक इंटरनेशनल प्रेशर भी इजराइल पर कंटिन्यूअसली बना रहेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज IDF के सामने होगा गाजा में पूरे फोर्स के साथ एंट्री करना, जिसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गाजा ऑपरेशन को पूरा करने में 18 महीनों का टाइम लग सकता है, और इतना टाइम इजराइल के पास शायद ही है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इजराइल ने अब तक गाजा में 6000 प्लस बॉम्ब्स ड्रॉप करने के बाद गाजा का लैंडस्केप पूरी तरीके से चेंज हो गया, जिस वजह से IDF के कर्नल गुलान वैच, इनके अनुसार इस नए अर्बन वॉर जोन में लड़ने के लिए इजरायली सोल्जर्स को एडिशनल ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। इसके अलावा प्लानिंग की अगर बात करें तो गाजा में ऑपरेशन के दौरान ग्राउंड सोल्जर्स को इजरायली एयरफोर्स ड्रोन, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और आर्टिलरी से कवर भी प्रोवाइड करेगी, जो कि काफी रिसोर्स कंज्यूमिंग होगा। एक फॉर्मर सीनियर इजरायली डिप्लोमैट और गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर निमरॉड नोविक का यह कहना है कि कुछ पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स चाहते हैं कि इजरायली सोल्जर्स 18 महीनों तक डोर टू डोर कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर हमास को हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि अगेन काफी चैलेंजिंग और या रिसोर्स कंज्यूमिंग ऑपरेशन होने वाला है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल मिलिट्री ब्लो, इजराइल के अगेंस्ट हमास के पास एक अल्टीमेट वेपन है। याद है मैंने पहले आपको बताया था ब्रह्मास्त्र के बारे में, इसे इजरायली सोल्जर्स गाजास मेट्रो कहते हैं। दरअसल हमास ने गाजा के नीचे टनल्स का एक ह्यूज नेटवर्क बना रखा है। इस नेटवर्क का प्राइमरी यूज पहले तो स्मगलिंग के लिए हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमास इन टनल्स के थ्रू रॉकेट्स और वेपन्स को मूव करने लग गया। ऑफ कोर्स वही रॉकेट्स जिनका यूज इजराइल के अगेंस्ट किया जाता है। अब हमास ने इन टनल्स को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिजाइन किया है कि NBC न्यूज के अनुसार तो इन टनल्स में स्टोरेज रूम्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, फूड सप्लाईज और यहां तक कि कमांड सेंटर्स तक बनाए गए। और CNN की अगर माने तो गाजा के नीचे इन टनल्स का नेटवर्क 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब अगर इन टनल्स को स्ट्रेट लाइन में जोड़े तो मुंबई से अहमदाबाद का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और इसी वजह से हमास मिलिटेंट्स अंडरग्राउंड रहकर भी इजरायली सोल्जर्स को सीवियर डैमेज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये टनल्स नॉर्मल बॉम्ब से डिस्ट्रॉय होने से रहे, और इसीलिए इन टनल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल US मेड बंकर बस्टर GBU-28 बॉम्ब्स भी यूज कर सकता है। याद है मैंने आपको कहा था इजराइल का ब्रह्मास्त्र, वेल यही है वो। इस बॉम्ब्स का फर्स्ट टाइम यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में UK ने किया था, और ये बॉम्ब्स इतने पावरफुल होते हैं कि इन्हें अर्थक्वेक बॉम्ब्स भी बुलाया जाता है। 2021 में इजराइल ने ऐसे 5000 अर्थक्वेक बॉम्ब्स US से परचेस किए थे। सो ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर हमास ने इजराइल के नाक में ज्यादा दम कर दिया, सो इजराइल यही बॉम्ब्स इन टनल्स में छुपे हमास मिलिटेंट्स को मारने में यूज कर दे। अब मिलिट्रली अगर देखा जाए तो इजराइल के पास गाजा को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए काफी सारे स्ट्रेटेजीज है, बट इसराइल हमास को इकोनॉमिकली भी काफी डैमेज पहुंचा सकता है। फिलहाल तक तो उन पे अटैक होते देख इसराइल के एलाइज ने गाजा को मिलने वाले सभी एड्स को कट ऑफ कर दिया। तो पहले गाजा को काफी सारे नेशन से डेवलपमेंटल एड्स, फूड और हेल्थ एड वगैरह वगैरह मिला करते थे, लेकिन 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए अटैक के बाद डेनमार्क ने $13 मिलियन, स्वीडन ने $5 मिलियन,
जर्मनी ने $131 मिलियन और ऑस्ट्रिया ने $20 मिलियन की फंडिंग इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दी है। इस फाइनेंशियल ब्लॉकेड में यूके और ईयू जैसे देश भी शामिल है और ये चीज गाजा को इकोनॉमिकली स्टाइफल कर सकता है। सो नाउ राउंड अप करते हैं। मिलिट्री अटैक और इकोनॉमिक अटैक के बाद इसराइल पूरे गाजा को इन्वेड करने के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बट क्या इसराइल इस टेरिटरी को कम्प्लीटली अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले पाएगा? वेल, मेरे हिसाब से यही इसराइल का मास्टर मूव है। ये मूव एक्चुअली में इसराइल का ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ इसराइली डिप्लोमैट्स, ऑफिशियल्स और एनालिस्ट ने ये बताया कि गाजा को इन्वेड करने के बाद इसराइल वेस्ट बैंक एरिया में रूल करने वाले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा का कंट्रोल दे देंगे और इससे इसराइल को दो फायदे मिलेंगे। पहला, उन्हें हमास के रीबर्थ की चिंता नहीं रहेगी और दूसरा, एक बैकडोर पपेट गवर्नमेंट वहां पर रूल करेगी और जैसे वेस्ट बैंक में है, इसराइल पर कोई मेजर टेररिस्ट अटैक का खतरा भी नहीं रहेगा। एक्चुअली शायद ये प्रपोज सेटअप वर्क करता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि देखो, एक तो हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, क्योंकि 2007 में हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा से भगाकर पूरा कंट्रोल ले लिया था, जिसके पहले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दोनों वेस्ट बैंक और गाजा में रूल करती थी। पर 2007 के बाद वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बैंक में ही कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेस्ट बैंक की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने हमास के इस अक्टूबर 7 वाले अटैक को भी क्रिटिसाइज किया है। उनके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने ये साफ कहा कि इस अटैक को पैलेस्टीनियंस के खिलाफ अटैक मत बुलाओ, ये अटैक सिर्फ हमास के खिलाफ अटैक है और पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। पैलेस्टीनियन लीडर महमूद अब्बास सेड The policies and actions of Hamas do not represent the Palestinian people. और इसीलिए अगर इसराइल सही से खेले तो उनका ये बिल्कुल मास्टर मूव हो सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, और जियोपॉलिटिक्स में ये काफी पुरानी और सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। ऑल इन ऑल अगर इस पूरे इन्वेजन एनालिसिस को क्लोजली देखें तो ये बात बिल्कुल साफ है कि गाजा इन्वेजन इसराइल के लिए कोई केक वॉक बिल्कुल नहीं होगा। यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि ये अटैक इसराइल के लिए वियतनाम ट्रैप साबित हो सकता है। So, जैसे आपको पता होगा, इतिहास में ऐसी कोई चीज पहले भी हो चुकी है। 1965 में जब यूएस ने अपनी फोर्सेस को वियतनाम में फ्रेंच गवर्नमेंट के सपोर्ट में वियतनामीज रिबेल से लड़ने के लिए भेजा था, पर यूएस फोर्सेस 8 सालों तक वहां पर बिना किसी एंड रिजल्ट के लड़ते रहे अलोंग विद द फ्रेंच फोर्सेस, और इसमें उनके करीब 60,000 सोल्जर्स भी मारे गए। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हाल इसराइल का गाजा में भी हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, गाजा में भी हमास एक्चुअली टनल से ऑपरेट कर रहे हैं, जो इजरायली फोर्सेस के लिए काइंड ऑफ एक बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है, जहां पर वो सालों साल तक लड़ने के लिए मजबूर रहे। अब वो बात अलग है कि इसराइल इस पूरे बात को अच्छे से जानता है और इसीलिए उनके सीनियर ऑफिसर ने ओपनली कह दिया है कि इस इन्वेजन में मिनिमम 18 मंथ्स का वक्त लग सकता है। और इनफैक्ट मोसाद की गाजा में एक डेडिकेटेड यूनिट भी बनाई गई है जो इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और जो अब तक फुल फ्लेजेडली हमास में रहकर उनके प्लान्स को IDF तक पहुंचा रही है। सो नाउ ओनली टाइम कैन टेल कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, बट ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये इन्वेशन श्योरली इसराइल का एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इस वॉर का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना अपनी राय, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट, हमास को अच्छी तरीके से मालूम था कि इसराइल रिटेलिएट करने वाला है, फिर भी हमास ने इस इतने बड़े अटैक को क्यों अंजाम दिया? थोड़ा सा रिसर्च करने पर सामने आता है कि हमास के पास ईरान की बैकिंग थी। हमास ने 7 अक्टूबर वाले अटैक की प्लानिंग 6 महीने पहले से ही की थी ईरान के साथ मिलकर, पर इसकी जरा सी भी भनक मोसाद को नहीं पड़ी। अब ये प्लानिंग इतने खुफिया तरीके से कैसे की गई कि मोसाद को इसकी खबर नहीं पड़ी, इसको पूरे डिटेल में ब्लूप्रिंट के साथ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो और आपको पूरे इसराइल हमास मामले का एक इनडेप्थ पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, यूज माय कूपन कोड गौरव50 टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।